अरे इतनी देर होगी, इतनी नमाज पढ़ने गए हुए अभी तक आए नहीं। अम्मी ईदगाह पे बहुत रश होता है, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। ईदगाह थोड़ी गए, मोहल्ले की पिछली गली वाली मस्जिद में गए हैं और गाड़ी पे भी नहीं गए, पार्किंग का भी मसला नहीं है। तो फिर हो सकता है किसी मोहल्ले वाले से ईद मिलने के लिए रह गए हो। छोड़ो बेटा, मोहल्ले में उन दोनों की कोई इज्जत नहीं करता। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, सईद मिर्ची हमारी कितनी इज्जत करता है और वो पागल डॉक्टर जिसका गली के कोने पे क्लिनिक है वो भी तो कितनी इज्जत करता है हमारी। बेटा इन दोनों का नाम इस मुबारक दिन पे मत लो, सारा दिन खराब गुजरेगा। अक्की और सुनीत का नहीं, डॉक्टर और सईद मिर्ची का। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अक्की ईद मुबारक बेबी। बैठे ना बैठे अम्मी जान, देखे हम ताजा ताजा ईद की नमाज पढ़ के आए, हमारी ईदी। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये लो। थैंक यू अम्मी जान। अब मुझे भी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये बिस्मिल्लाह। सिर्फ 100 रुपए? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे लगा 5000 रुपए देंगी। अरे वाह, तुम्हारा बड़ा भाई 100 रुपए ईदी ले रहा, तुम्हें 5000 दूंगी। अम्मी मुझे भी तो ईदी दे। हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारी भी ईदी रखी, ये अनोखा। थैंक यू। हाँ 100 रुपए में थैंक यू बोल रही है। तुम्हें क्या पता ये 100 रुपए कितने कीमती हैं? और मैं तो अम्मी जान की ईदी कभी खर्च ही नहीं करता। लेकिन मैं क्या करूँ 100 रुपए का, 100 रुपए में तो सिगरेट का पैकेट भी नहीं आता। नहीं, मेरा मतलब है मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी थी सईद मिर्ची के साथ। इसीलिए तो तुम्हें पैसे नहीं दिए ज्यादा मैंने, मुझे पता था तुम सईद मिर्ची के साथ जाके गुलछर्रे उड़ाओगे। लेकिन मैं अपने भाई को ईदी जरूर दूंगी। ये लो तुम्हारी ईदी। 5000? अब आया ना मजा, you're the best sister। वरदा तुम क्या मुझे भी ईदी दोगी? जी नहीं, बल्कि तुम मुझे ईदी दो। अब मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए, तो यही दे दो। ये लो, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू वरदा, अब मैं इन पैसों से तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा। मुझे कौन खाने पे लेके जाएगा? अरे आपका बेटा है ना यहाँ पे, हम सब एक साथ डिनर करेंगे। साइड मिर्ची होगा। अरे इसको तो मैं अभी दरवाजे पे ही सवैया खिला के आता हूँ। अंदर मत आने देना बिल्कुल, ठीक है? नॉट अम्मी जान, टुडे इज आवर डे। यस। पैसे जेब में रख लो, खो नहीं देना। ए देख सईद मिर्ची साहब, लेकिन आपको तो किराया अमेरिका भिजवा दिया था ना बताने इस महीने का। अरे भाई मैं किराया लेने थोड़ा ही आया हूँ। तो क्या आप अम्मी से ईदी लेने आए? 100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं, मैं ईदी लेने भी नहीं आया, मैं तो ईद मिलने आया हूँ। अपनी फैमिली से? आपकी फैमिली तो मेरी फैमिली है। आप हमसे ईद मिलने? जी जी बिल्कुल, वो भी अमेरिका से। दरअसल मैं पाकिस्तान आया हुआ था, आज ईद का दिन है, सोचा ईद की मुबारकबाद दे दो। वैसे आप तो ईदी डॉलर्स में देते होंगे ना? क्या मतलब? मतलब अमेरिका में तो ईदी डॉलर्स में दी जाती है। नहीं, वहाँ पर ईदी देने का रिवाज ही नहीं है। तो फिर क्या ईदी लेने का रिवाज है? अरे आप सब कुछ यहाँ दरवाजे पर ही मालूम कर लेंगे। देखिए मैं तो सिर्फ आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं तो ईदी छोड़ सकता हूँ, लेकिन स्वीट तो जेबों से ईदी निकाल लेता है। आप उधर तो चले। मैंने कब मना किया? आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। ये देखे ये आप आ गए अंदर। ये अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? मैंने इस महीने का रेंट आपके अकाउंट में डलवा दिया था। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं पाकिस्तान आया हुआ तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। आपकी वाइफ नहीं आई? नहीं, वो अमेरिका में ही है। तो आप अमेरिका जाएं अपनी बीगम के पास, वहाँ जाके ईद मनाएं, दूसरों की ईद खराब करने क्यों आ गए भाई? स्वीट बेटा, जुबैरी साहब हमें डॉलर्स में ईदी देने आए हैं। डॉलर्स में ईदी? अरे सर मैं आज से ईदी मिलने आया हूँ, गले मिले। आप तो दूर ही रहे, मुझे पता चला है कि आप लोगों की जेबें काटते हैं। अरे जेबें छोड़े, कुछ डॉलर्स दे दे। दे दीजिए ना, जब बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो। मैं केक लाया हूँ ना यार, आज हर आदमी केक लेकर आएगा। मैंने बेकरी वाले से बात कर ली है, वो आधी कीमत में हमारे सारे केक खरीद लेगा। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि क्या आप दूसरी शादी कर रहे हैं? अरे नहीं, अगर मेरा बस चले ना तो मैं पहली शादी भी इरेजर से मिटा दूं। तो फिर क्या बताना चाहते हैं आप? अरे भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये घर बेच रहा हूँ, बल्कि मैंने घर बेच दिया है। ये कैसे कर सकते हैं आप? आप ऐसे घर अचानक से कैसे बेच सकते हैं? मैं मालिक मकान हूँ, मैं बेच सकता हूँ। हाँ लेकिन मैं आप लोगों की ईद खराब नहीं करूंगा, आप ईद मजे से करें, बल्कि ईद एंजॉय करें, लेकिन कल ये घर मुझे खाली चाहिए। भाई ईद तो 3 दिन की होती है। अरे भाई हमारे वहाँ ऐसा कोई नहीं, ये पाकिस्तान के चोचले, हमारे यहाँ सिर्फ ईद 1 दिन की होती है। लेकिन हम इतनी जल्दी घर कैसे खाली करेंगे? ये आपका मसला है, मेरा नहीं। अटैक हो गया मुझे। अम्मी क्या हुआ आपको?
सुनो आप लोग सब जा रहे हो, मुझे पानी का गिलास तो पिला दो। मेरी यहाँ माँ मर रही है, तुझे पानी की ऐसी सूझ रही है। अरे आजा, आराम से लेके चलो, आराम। मम्मी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ ना, उसके सामने ड्रामा कर रही थी। लेकिन अम्मी जान, मुझे लग रहा है वो हमारे किसी ड्रामे को मानेगा नहीं। अरे ईद वाले दिन हमसे घर खाली करवा रहे और साथ में केक भी ले आया। अरे मुंह पे मारो उसके केक। अरे तुम लोग बैठ के पहले ये सोचो कि हमने करना क्या है, इतने शॉर्ट नोटिस पे घर कैसे खाली करेंगे हम। अम्मी जान एक बात पूछूं? मुश्किल बात ना पूछना, और पैसों के बारे में तो हरगिज मत पूछना। मुझसे तो आपने पूरे 2000 पेजेस का घर जमाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, और ये घर लेते हुए कोई अग्रीमेंट नहीं करवाया। हाँ हाँ, अग्रीमेंट तो करवाया था, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? अगर मालिक मकान अपने किराएदार को घर से निकालना चाहे तो 1 महीने का नोटिस देना होता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना हुआ ये। अरे जाके चेक करो हमारे अग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि नहीं। अरे मालिक, अग्रीमेंट है कहाँ? मेरे पास है। चलो चल के वो अग्रीमेंट देखते हैं, यकीनन उसमें ये क्लॉज होगा। मालिक मकान क्या, उसका बाप भी हमारा ये घर खाली नहीं करा सकता। मालिक मकान का बाप भी जिंदा है? आप अपने नन्हे दिमाग पे जोर ना डालें। जी नहीं, मेरा नन्ना नहीं, मेरा बहुत बड़ा दिमाग है। दिल नन्ना है। इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी ना, तुम्हारी ईद यादगार हो जाएगी। चलो वरदा। हाँ हाँ चलो, अल्लाह करे मिल जाए अग्रीमेंट। और से मुसीबत आ गई हमारे गले में। बेबी कहाँ है अग्रीमेंट? तुम्हारा वाला? अरे मेरे वाले अग्रीमेंट की इस वक्त जरूरत है क्या? किराएदार वाला कमरे में ही होगा। तो क्या पूरे कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी? अक्की प्लीज मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरी तुम तो पहले से कंफ्यूज हो। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि एग्रीमेंट कहाँ है। सोचो मत, तलाश करो तलाश। एक काम करते, तुम तलाश करो, मैं बैठ के सोचती हूँ। वैसे वरदा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें किस बात के 4 लाख रुपए देता है? मेरा काम एग्रीमेंट तलाश करना नहीं है। हाँ तो ये क्या मेरा काम है? ये अलमारी के ड्रॉ चेक करो ना। कौन सी वाली? 1000 ड्रॉ नहीं है हमारे कमरे में। 4-5 तो है ना। पीछे वाली अलमारी चेक करो अक्की। ओके। अरे बेबी क्या लबला पड़ा हुआ है। अरे ये रहा अग्रीमेंट, सामने रखा हुआ है, शोर मचाया हुआ है। मिल गया ना। चलो अभी और इसी वक्त उस मकान मालिक के पास लेके चलते, देखती हूँ कैसे हमसे मकान खाली करवाता है। बेबी तुम तो ऐसा गुस्सा कर रही हो जैसे तुम जुबैरी साहब का कत्ल ही कर दोगी। ड्रामे मत करो की, चलो चल। अरे देखिए आप लोग अपनी ईद क्यों खराब कर रहे हैं। आपके ईद वाले दिन कुछ खाने के लिए नहीं बनता? बनता है ना, कत्ल का मंसूबा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये रहा रेंट का एग्रीमेंट। अरे छोड़ो इस एग्रीमेंट को, मेरा घर है, मैं आपसे खाली करवा रहा हूँ। आप हमसे एक दिन में घर खाली नहीं करवा सकते। मैं नहीं करवा सकता ना खाली, पुलिस तो करवा सकती है। देखिए आपको हमें 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था, हम कोर्ट से जाके स्टे ले लेंगे और आप पूरी जिंदगी अपना घर खाली नहीं करवा सकते। और आपने अगर हमसे बदमाशी करने की कोशिश की ना, तो इस शहर के सारे फुटपाथी मेरे दोस्त है, सबको इस घर के अंदर ला के खड़ा कर दूंगा। देखिए देखिए, मैंने इस घर का सौदा कर लिया है, मुझे इस घर की चाबी हर हाल में कल चाहिए, बस। हम तो खाली नहीं कर रहे। आप अपना सौदा कैंसिल करें। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं, डबल कीमत दे रही है पार्टी मुझे। अच्छा जब ये इस घर को बेचने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं। वैसे जुबैर साहब आपको याद है ना, हमारे 15 लाख रुपए आप पर ड्यू है, वो पैसे जो हमने इस घर पर लगाए हैं, और इस घर का एडवांस भी हमने आपको दिया था, आपको वो भी वापस करना है। अच्छा अच्छा, आपके कितने बन रहे? 15 लाख ना, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, बस आप घर खाली कर दें। 20 लाख? वरना क्यों नहीं अम्मी से मशवरा कर ले। हाँ अम्मी से मशवरा तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाए जाए मशवरा कर ले जाए। अच्छा मुझे गिलास पानी तो पिला दे। अरे मिल जाएगा आपको पानी, मर नहीं जाएंगे। पानी पानी पानी, चलो यार मशवरा करके आए, पानी पानी मांगता रहता है। ईद वाले दिन बैठे बिठाए कैसी टेंशन आ पहुंची है। अभी तो हम घर में बैठे हैं, सोचे जब हम कल फुटपाथ पे बैठेंगे कितना गंदा सीन हो जाएगा ना। चुप कर जाओ तुम, डराने के अलावा कोई काम नहीं। अरे कहाँ रह गए ये वरदा और अक्की? अपना सामान पैक कर रहे होंगे। आ गए। क्या हुआ, मिला एग्रीमेंट? अरे एग्रीमेंट भी मिल गया, और हमने जुबैरी साहब को भी ये कह दिया है कि हम 1 महीने से पहले ये घर खाली नहीं करेंगे। तो क्या कहा जुबैरी साहब ने? उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमारा पैसा इस घर की रेनोवेशन में लगा है, और जो पैसा हमने इनको एडवांस में दिया था, वो सब मिला के हमें 20 लाख रुपए देने के लिए राजी है। 20 लाख? हाँ, और हमने सिर्फ 6 लाख रुपए एडवांस दिए थे। और हमारा घर में कौन सा पैसा लगा हुआ है, वो भी लास्ट एपिसोड में हम उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। अम्मी जान पूरे पूरे 14 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, कबूल है? लेकिन हमें ऐसा घर मिल जाएगा? अरे इससे अच्छा मिल जाएगा। लेकिन कल तक हम ये घर खाली कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। हम किसी को कहते हैं कि हम अपने घर पे टेम्परेरी तौर पे रख ले, और स्टेट एजेंट को कह के हमारे लिए घर ढूंढ ले। लेकिन हमें अपने घर में टेम्परेरी तौर पे रखेगा कौन? आपके भाई,
हमारे आगा मामू? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। उसकी बीवी तो हमें पानी तक ना पिलाए। अब मैं सईद मिर्ची से बात करता हूँ। मैं भी अपने बॉस से बात करती हूँ। और मैं अपने जिगरी दोस्त रिजवान कंगले से बात करता हूँ। चलो अच्छा देख सईद मिर्ची, देख 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। सामान सिर्फ 2-3 सूटकेस होंगे बस, और कुछ नहीं होगा। हाँ अपने अब्बा से बात करोगे तुम? अरे तुम्हारी घर में इज्जत है भी या नहीं है घटिया आदमी? ओए जानी 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 नाराज क्यों हो रहा है यार, दिल पे मत ले, तू तो मेरा भाई है यार। नहीं नहीं एक बार मेरी बात तो, बॉस मेरी एक बार बात तो सुने। देखे 2-4 दिन की बात है वो। अरे आपको वो घर से बाहर नहीं निकालेंगी, मेरी बात तो माने। मैं बहुत हेलो हेलो घटिया मोटे सांड, तूने ईद के दिन भी मेरा लिहाज न किया, अल्लाह पूछे तुझे। तू बात कर ले अपने अब्बा से। देख मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, कॉल जरूर करियो। हाँ ओके ओके। नहीं नहीं तूने सब्जी की रेड़ी लगा ली क्या? रात भर वही सोता रेड़ी के ऊपर? नहीं नहीं भाई फोन रख, फोन रख तू। अरे नहीं बोल रहा तुझे ईद मुबारक गरीब आदमी। मेरी जगह कोई और औरत होती ना तो कभी इस तरह से घर खाली ना करती। मैं आपको 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अरे एक्स्ट्रा की बात करें, घरों के एडवांस कितने महंगे हो गए हैं। अरे टोटल मिला के आपको 20 लाख मिलेंगे। आप चाहें तो 25 भी कर सकते हैं। देखें मेरी डील वर्धा से हो गई, बेहतर है आप वर्धा से बात करें। लेकिन एक दिन में हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये सोचा है आपने? ये मेरे सोचने का काम नहीं, ये आपके सोचने का काम है। मैं तो आपको पैसे दे रहा हूँ। मैं इतनी जल्दी इतना सारा सामान कैसे पैक करूंगी? माफ कीजिएगा, मैंने आपको ये घर फर्निश्ड दिया था। अनोखा। हाँ लेकिन कपड़े शपड़े तो हम लाए थे ना अपने साथ। ठीक है वो आप ले जाए। पता नहीं मेरे बच्चे बेचारे किस किस से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप किसी से बात कर ही ले। यही करना पड़ेगा। बस एक गिलास पानी तो पिला दे। अजीब आदमी आप, हमें अपनी जान के लाले पड़े हैं, आपको पानी की पड़ी हुई है। अरे कमाल है भाई, अजीब है ये, मैं हूं कोई पानी नहीं पिला रहा। बहुत ही कंजूस मालिक मकान है भाई, घर बिक रहा है डबल कीमत पे और हमें दे रहा है एक्स्ट्रा 20 लाख बस। आप ये मालिक मकान से पैसे बढ़वाने गई थी? हाँ भाई, ये ट्राई करने में क्या हर्ज था? आपसे बड़ा और आपसे ज्यादा वो नहीं हो सकता। वो क्या? शायद लालची कहना चाह रहा है। स्वीट? अब मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन अक्की भाई ने बड़े हल्के अल्फाज में बचा लिया है। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि सईद मिर्ची की बाप ने क्या कहा? मेरा बॉस तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। और रिजवान तो आजकल सब्जी की रेड़ी लगा रहा है और रात को उसी रेड़ी पे सो भी जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है 5-स्टार होटल में रहता था ना वो जो हमें वहाँ बुला लेगा? अरे मैंने भी सईद मिर्ची से बात करी है, उसने कहा कि मैं अपने पापा से पूछ के बताता हूँ। ये सईद मिर्ची भी ना कभी भी वक्त पे काम नहीं आया, यही उसके हाथों बेवकूफ बनता रहता है। अम्मी जान गलत बोल गए आप, आपका बेटा दोनों हाथों से उसे बेवकूफ बनाता है। अगर उन्होंने हाँ कह भी दिया तब भी मैं उस सईद मिर्ची के घर में नहीं रहूंगी। हाँ शक्ल देखिए उसकी। और हाँ अगर हम लोग बाहर रहने चले भी गए तो शक्ल तो रोज देखनी पड़ेगी। इससे तो बेहतर रिजवान की रेडी है। अरे उसके घर में मेहमान खाना बना हुआ है जो किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। उसके पापा बड़े ही कंजूस हैं। हाँ मजा ले कभी अच्छा खाना बनवा के हमारे यहाँ भिजवा दिया हो। भाई जब बारिशें हुई थी ना तो सारी कच्ची आबादियों में उन्होंने खाना बांटा था। अब आप तो बड़े घर में रहती है, आपको क्यों खाना भिजवाएंगे वो? अरे मेरा बेटा उनके बेटे का दोस्त है, यही सोच के भिजवा दे अच्छा खाना। अम्मी अब मैं सईद मिर्ची को बोलूंगा कि अपने अब्बू को बोलो कि जरा ज़कात निकाले तो हमारी अम्मी को भी भेज दें। अम्मी आप ज़कात लेंगी? हाँ ले लूंगी, बेवा हूँ मैं। अम्मी पापा भी जिंदा हैं? अरे ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। वो सईद मिर्ची कॉल है, एक बार रुकिएगा जरा। इसने हमारे सामने क्यों नहीं बात की? शर्मिंदगी से बचने के लिए टॉम जिसको अपने घर रखता है। हाँ हेलो क्या हुआ? यार सईद मिर्ची मालिक मकान ने ईद वाले दिन आके टेंशन दे दी है। अबे हमारा तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्रोग्राम था। तो लॉन्ग ड्राइव हो तो रही है ये। तू ये बता मालिक मकान कहाँ है तेरा? अरे अंदर लाउंज में बैठा है। तू बस मुझे एक दफा अपने घर आने दे, इसको 2 पंच मार के इसको लंबा ही कर दूंगा। अबे मालिक मकान है, गली का गुंडा नहीं है। अरे तू टेंशन ना ले, पापा ने इजाजत दे दी है, तुम लोग आराम से मेरे घर में रह सकते हो जब तक तुम लोग का दिल चाहे। कसम से सईद मिर्ची आई लव यू। अरे आई लव यू टू। अरे मेरे होते हुए तेरे घर वाले बर्बाद कैसे हो सकते हैं बे? थैंक यू यार, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा ये बताओ तुम लोग कब आओगे? अबे पहले मालिक मकान से एडवांस तो निकलवा ले। अच्छा देख मैंने गेस्ट रूम साफ करवा दिए, अम्मी से कहना वो बिल्कुल ऐसे आराम से रहे जैसे अपने बेटे के घर में रह रही है। थैंक यू यार थैंक यू। अच्छा देख चल अब तेरा मसला हल हो गया ना, अब तो चलेगा ना घर ऑफिस खाने? भाई पक्का फ्राई करके खाएंगे। चल चल मैं रखता हूँ, ठीक है आ जा जल्दी। ओके ओके। अरे कोई जुबैर साहब को भी दे दो। चुप।
उन्हें तो मैं मरा हुआ मच्छर भी ना दूं। फिलहाल तो मैंने उनको प्यासा रखा हुआ है। यहाँ दावत चल रही है। अरे भाई इसे भी दे दूं वरना हमारे पेटों में दर्द कर देगा ये। ये लो। सईद मिर्ची के पापा ने मना कर दिया। सईद मिर्ची के पापा ने कहा है कि वो किसी को भी अपने घर में मेहमान नहीं रखते। वो हमें क्यों रखेंगे, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है। ये सईद मिर्ची मेरे सामने है ना, पूरे 120 पंच मारूंगा। अल्लाह, आप लोग उसको इतना बुरा भला कहते हैं और उसके अब्बा ने कहा है कि जब तक चाहें आप लोग हमारे घर में रह सकते हैं। देखा, मैं कह रही थी ना कि सईद मिर्ची जैसा खानदानी बच्चा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उसका बाप कोई मामूली आदमी थोड़ी है। आपने ये कब बोला, मैंने तो नहीं सुना। अरे कहा था, तुमने सुना नहीं, तुम्हारे कान बंद है। मैंने सुना। देखा, अम्मी कह रही थी कि सईद मिर्ची बहुत प्यारा बच्चा है और उसका वालिद नहायत ही शरीफ इंसान है। बिल्कुल। तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ईद वाले दिन भी झूठ। एक मिनट, मैं जानता हूँ किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा होगा। अब जुबैरी साहब के साथ मामला निपटा ले। हाँ हाँ, उनसे पूरे 20 लाख रुपए का चेक लेना है और पानी भी उसी वक्त पिलाऊंगा जब वो चेक लिख के देगा। क्या ख्याल है, चलें जुबैरी साहब से बात करने। अम्मी पहले हम केक तो खा ले। अरे हाँ, ईद का केक है, खाना तो पड़ेगा। ये अच्छी बेकरी का लग रहा है। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया, ये जुबैरी साहब के चक्कर में खाओ। चलो जल्दी करो। वो मैंने आप लोगों से एक गिलास पानी मांगा है। तो मैंने भी तो तुमसे 5 लाख रुपए मांगे हैं। मतलब एक गिलास पानी के आप लोग ऊपर से 5 लाख लेंगे। आप नीचे से दे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन पानी नहीं मिलेगा। अच्छा तो चाय पिला दो, आज तो ईद का दिन है। हाँ ईद का दिन है, इसीलिए हमें घर बदर कर रहे हैं आप। इसके लिए मैं आपको 5 लाख रुपए भी तो दे रहा हूँ। हमारी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया है, हम कल आपका घर खाली कर रहे हैं। वाकई? अकी बेटा वो केक ले आओ जो मैं ले आया था, हम सब इस खुशी में मिल के खाते हैं। वो हमारे लिए लाए थे ना। तो क्या आप लोगों ने वो केक खा लिया? हाँ तो खाने के लिए लाए थे, देखने के लिए थोड़ी लाए थे। हमने खा के आपको बद्दुआएं भी दे दी है। अरे भाई मुझे भूख लग रही है, आज ईद का दिन है, आप अपने मेहमान को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे भी पिलाएंगे भी, पहले आप चेक तो लिख के दें। ठीक है मैं आप लोगों को चेक लिख के देता हूँ, लेकिन आप लोगों को कल सुबह ये घर खाली करना होगा। चेक लिख के हम शाम में खाली कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, अब एक्सक्यूज मी सर, एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। प्लीज दानिश। हाँ बोलो दानिश, क्या बात है? जुबैरी साहब, वो आपके घर का सौदा कैंसिल हो गया। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। अरे सर, जो पार्टी आपके घर की डबल कीमत दे रही थी वो 2 नंबर निकली। क्या मतलब 2 नंबर? क्रिमिनल थे सर, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। FIA वालों ने गिरफ्तार कर लिया। अरे यार, मैंने यहाँ रहने वाले किराएदारों से अपना घर खाली करवा लिया है। मना कर दें उनको जुबैरी साहब, मना कर दें। कैसे मना कर दूं, मेरी वजह से उनकी ईद खराब हो गई है। ईद तो हमारी भी खराब हो गई जुबैरी साहब। हमारी ईद कैसे खराब हो गई? FIA वाले आपका भी पता करते फिर रहे हैं और मेरा भी। अच्छा, मैं तो कल पहली फ्लाइट से अमेरिका चला जाता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप चेक लिख रहे थे? चेक? अच्छा चेक लिख रहा था। अरे भाई चेक कितनी जल्दी किया है, मैं ये सोच रहा था कि मैं खाने का ऑर्डर कर देता हूँ, पहले मिलके खाना खा लेते हैं। ए भाई, खाना ऑर्डर करने से पहले हमारा चेक हमारे हवाले करो। आप ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे? जहर। अरे बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, आज ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सच सच बताइए, किसका फोन आया था? वो मेरे स्टेट एजेंट का। और उसने क्या कहा? वो दरअसल मैं जिस पार्टी को घर बेच रहा था ना, उसको FIA वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA वालों ने? मतलब सौदा कैंसिल? हाँ हाँ, यही तो खुशी की बात है, अब हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। हमारी ईद को गारत करके अब आप ईद सेलिब्रेट करने को कह रहे हैं? मुझे चेक चाहिए। लेकिन मैं तो अब घर खाली नहीं करा रहा। लेकिन हमने तो आगे टोकन दे दिए। टोकन? बयाना, सिक्योरिटी मनी, पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख? और आपको तो पता है कि टोकन मनी कभी वापस नहीं होती। जी इसीलिए अब आप हमें 1 लाख रुपए देंगे। अब मैं भी FIA वाले आपको पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने आपकी फोन कॉल सुन ली थी। 1 लाख रुपए दे रहे हैं या FIA वालों को फोन करें? अब मैं दे रहा हूँ अभी, दे रहा हूँ राइट नाउ। जी जी राइट नाउ। ईद मुबारक। गड़बड़ गड़बड़ बन बांसुरी, मैं बांसुरी
जमाई बना घर जमाई।